अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, रेस्टोरेंट में इस तरह की जो ड्रिंक्स है आजकल गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इस ड्रिंक में क्या खास बात है, सब टिप एंड ट्रिक्स आज की रेसिपी में हम शेयर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी करेंगे। यहाँ पे है जी मेरे पास लेमन जूस। अगर आपके पास वैसे ही साबुत लेमन है तो वो भी आप एक दिन निचोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से टीस्पून इसमें तकरीबन 3 ऐड किए हैं लेमन जूस के। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया है जी 1 टीस्पून शुगर, और फिर आपने इसको मिक्सअप कर देना है। अगर तो आपके पास पाउडर है ना तो फिर आपको इसको मिक्सअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप साबुत चीनी ऐड कर रहे हैं तो इसको मिक्सअप ज़रूर करिएगा। उसके बाद यहाँ पे है जी मेरे पास 2 पिंच ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर हम इसमें क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे आपके पास अवेलेबल आप इसे में ऐड कर दें, लेकिन आपने साबुत नहीं ऐड करना। उसके बाद यहाँ पर 2 पिंच ही मैंने चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला भी हम इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आता है, ज़रूर ऐड करेंगे। और फिर मैंने इसमें 2 पिंच सॉल्ट ऐड किया है, बहुत ही अच्छा इसमें नमक का हल्का फुल्का से भी टेस्ट आता है। कुछ लोग तो वैसे भी सोडा में नमक ऐड करके तो पीते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन मैश किया हुआ पुदीना लिया है, मैश करके आपने पुदीना इसमें ऐड करना है ताकि इसमें पुदीने का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और इसके बाद हम इसमें सोडा इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जैसे ही सोडा ऐड करना है तो साथ में ही रेस्टोरेंट स्टाइल का टच देने के लिए आपने इसमें लेमन कटिंग करके ऐड कर देना है, और उसके साथ ही आपने इसमें चाहे तो बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़ हम नहीं ऐड करेंगे, आइस क्यूब्स नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जो ड्रिंक सोडा है वो ऑलरेडी बहुत ठंडा है। सो अगर आप चाहें तो इसमें क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट टच देने के लिए आपने पुदीना ऊपर हल्का सा सब गार्निशिंग करने के लिए रख देना है, और ये है जी फाइनल लुक। इससे आपकी बदहजमी, आपकी तजाबियत वगैरह सब दूर हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। अगर आप चाहें तो अपने प्यारों को इसलिए इसको बकरा ईद पे भी बना के दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।